खबर नरसिंहपुर जिले से है, जहां विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में वृद्ध जन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने जिला अस्पताल पहुंचकर निशुल्क उपकरणों का वितरण किया। आपको बता दें कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को गर्दन दर्द, सर्वाइकल, सिर में दर्द, कमजोरी रहने वाले मरीजों को फिजियोथेरेपी जाँच एवं चिकित्सीय परामर्श दिया गया। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में जो वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में किया गया था। उसके अंतर्गत जो भी लाभार्थी वृद्धजन आए थे, उनको हम अस्पताल के द्वारा जो है कुछ उपकरण का हमने वितरण किया है। उसी तारतम्य में उन लोगों के जिनका भी आभाईडी बननी है, आयुष्मान कार्ड जो भी पात्र है, और उनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं फिजियोथेरेपी जो कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं, घुटना दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रहा है, उससे संबंधित फिजियोथेरेपी देने का हमारा लक्ष्य था। और उससे संबंधित कुछ हमने कुछ मरीजों के लिए उपकरण का भी वितरण किया है, माननीय पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह द्वारा। तो वो कार्यक्रम आज जिला चिकित्सालय में किया।